एमसीसी ने काउंसलिंग 2020 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी कर दी है अपने इंफॉर्मेशन ब्राउजर में। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब आपको सीट अलॉट हो जाती है और उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उसमें आपको एक सेट फोटोकॉपी की जरूरत होगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीसी के जो सीट अलॉट हो जाती है 15% ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। स्टेट के डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अपने बुक में स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहां से बुक डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो स्टूडेंट से मैं एक बार बात करता हूं, तो आप कागज पर सभी डाउट्स लिख के रख लें। जो भी आपके डाउट्स हैं जब मैं आपको फोन करूंगा तो वो आप दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम एमसीसी के डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम में। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, इसमें अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता होगी हमें। जो सीट हमें अलॉटमेंट होने के बाद एमसीसी की वेबसाइट पर मिलेगा, ये अलॉटमेंट लेटर। अभी इसमें जो एमसीसी का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है इसमें लिख रखा है कि इसका सैंपल जो है हमने एनेक्सर थर्ड में दे रखा है, लेकिन अभी ये एनेक्सर थर्ड अवेलेबल नहीं है। ये इसमें एम्स की इलिजिबिलिटी का भी एनेक्सर के बारे में बताया गया है और जिपमर की इलिजिबिलिटी के बारे में भी एनेक्सर में बताया गया है, लेकिन ये तीनों ही एनेक्सर अभी एमसीसी की वेबसाइट पर इनके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने एमसीसी के मेल आईडी पर मेल किया है कि ये मिस है एनेक्सर, तो इसका जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता होगी। आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद में ये आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, एमसीसी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में एडमिट कार्ड, एनटीए का एडमिट कार्ड, जो आपने नीट की एग्जाम दी थी उसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए। ये एडमिट कार्ड अगर आपके पास इसकी कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी वेबसाइट ntanet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वहां एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड आपको जरूरत पड़ेगी रिजल्ट और रैंक लेटर की। जो नीट का रिजल्ट आया है उसकी कॉपी आप प्रिंट कर लें एक, उसकी आवश्यकता होगी आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम में जब आप डॉक्यूमेंट से सबमिट करेंगे तो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में होता है डेट ऑफ बर्थ। अगर उसमें आपको 10th की मार्कशीट में शो नहीं होता है तो आप अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये वैसे 10th की मार्कशीट में अवेलेबल है सभी स्टूडेंट के, तो आप अगर ये आपकी मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अलग से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आपको क्लास 10th की मार्कशीट अगर सीबीएसई की कंडीशन है, आपने सीबीएसई बोर्ड से पास कर रखी है, तो क्लास 10th के मार्कशीट के साथ ही उसका सर्टिफिकेट आता है। सीबीएसई की लंबी सी मार्कशीट आती है एक, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और मार्कशीट भी, इसलिए वो दोनों साथ ही होता है। स्टेट बोर्ड की कंडीशन में मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट होता है स्टेट में भी। इसके बाद में क्लास 12th का सर्टिफिकेट, किसी किसी स्टेट में क्लास 12th की मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में ये सर्टिफिकेट मार्कशीट के अलावा भी हो सकता है। तो आप जहां से आपने 12th क्लास पास कर रखी है वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं स्टेट की कंडीशन में। अगर आपने सीबीएसई से 12th पास किया है तो सीबीएसई की मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो वो आप जहां से आपने 12th पास किया उस स्कूल से जाके ले सकते हैं। वैसे वो एक या डेढ़ साल बाद आता है, तो आप उस स्कूल से पता कर लें कि आपका सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया है। इसके बाद में 10+2 की मार्कशीट,
मार्कशीट अलग से होती है, वो मार्कशीट आपने ले ली होगी और सर्टिफिकेट भी आप स्कूल से ले सकते हैं। तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप स्कूल से पता कर लें, अगर जब तक नहीं आया है तो आप इसके लिए आप जो मेडिकल कॉलेज है उसको बोल सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट अभी इश्यू नहीं हुआ है, आया नहीं है। इसके बाद में आपको 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स ले जाने हैं और ये फोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अटैच किया था, वही फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर वो फोटोग्राफ आपके पास नहीं है तो आप जो आपने फॉर्म फिल किया था उससे भी आप कंप्यूटर वाले से प्रिंट करवा के वहां से भी इसकी कॉपी रख सकते हैं, वहां से भी ये आपको कंप्यूटर वाला प्रिंट करके दे सकता है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस फॉर्म के साथ जो फोटो अटैच थी वहां से मिल सकती है ये। इसके बाद में बात करें, इसमें 9 नंबर पर लिखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, तो ये वही अलॉटमेंट लेटर है, इसमें दो जगह लिखा हुआ है ये आपको एमसीसी की वेबसाइट पर मिलेगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद में आगे लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आधार सभी के पास हो सकता है, होता ही है, तो आप आधार ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें जो एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो होती है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो होती है, एक तो स्पॉन्सर का पासपोर्ट, एम्बेसी सर्टिफिकेट जो होता है उसकी जरूरत होती है, दूसरा स्पॉन्सर का एफिडेविट, जो एफिडेविट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है एनआरआई की कंडीशन में उसका एफिडेविट चाहिए आपको एनआरआई की कंडीशन में। इसके बाद में रिलेशनशिप एफिडेविट, यानी कि एनआरआई का कैंडिडेट के साथ में क्या रिलेशन है, ये आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। इन सभी का परफॉर्मेंस दे रखा है पहले ही। इसके बाद में ये 3 डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं एनआरआई की कंडीशन में। अभी जो स्टूडेंट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है अगर इस कैटेगरी से हैं, यानी कि जो सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो इनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है इस कंडीशन में। इसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये जो मेडिकल बोर्ड है उनसे जारी हुई होना चाहिए। ये जो मेडिकल बोर्ड दे रखे हैं, ये 11 मेडिकल बोर्ड इस बार दिए हैं, पहले 10 मेडिकल बोर्ड थे, इस बार बीएचयू को भी इसमें शामिल किया है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इन बोर्ड में से किसी एक बोर्ड से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये बोर्ड का मैं नाम बता देता हूं, सबसे पहले वीएमएमसी है दिल्ली का वीएमएमसी है, यहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन मुंबई, दूसरा नंबर मुंबई में है ये, तो आप यहाँ इस हॉस्पिटल से भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद में कोलकाता आईपीएमई कोलकाता, यहाँ से भी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद में 4th नंबर पर दे रखा है इसमें मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज से भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट में ग्रांट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से ले सकते हैं। इसके बाद में 6th नंबर पर है गोवा मेडिकल कॉलेज, 7th नंबर पर है इसमें जो दिखाया है आगे केरला का त्रिवेंद्रपुरम है ये। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और इसके बाद में है 9 नंबर पर जीएमसी चंडीगढ़, इसके बाद में 10 नंबर पर है अगरतला, जो अगरतला मेडिकल कॉलेज है
अगरतला मेडिकल कॉलेज है और 11 नंबर पर अब की बार जो किया है इन्होंने इंक्लूड वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से इन 11 जो हॉस्पिटल है वहां से आप मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और ये सर्टिफिकेट में आपको जो भी डिसेबिलिटी जितनी परसेंट दिखाई गई है वो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें शो करनी होगी। तो आप ये पहले ही इस बोर्ड से ये सर्टिफिकेट ले लें। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में भी आपको मैं बता देता हूं जो MCC के डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टेट में बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो MCC के डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये सारे डोमिसाइल फ्री होते हैं। जैसे 15% ऑल इंडिया कोटा में कोई किसी प्रकार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है आपको। डीम्ड यूनिवर्सिटी की कंडीशन में भी किसी प्रकार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये डोमिसाइल फ्री होते हैं। अभी इसके बाद में बात करें कि कुछ कुछ कॉलेज, किसी किसी स्टेट में कुछ कुछ कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से लेते हैं। तो MCC ने भी अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये लिख रखा है कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उस कॉलेज से पता कर लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। वैसे जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा वो होती है TC की, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। कोई कोई स्टेट ये लेता है, कोई स्टेट नहीं लेता है। उसके बाद में दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्टडी एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है किसी किसी कॉलेज में। और इसके बाद में जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में कोई कोई कॉलेज गैप सर्टिफिकेट भी लेती है, तो वो आपको एफिडेविट पर बन जाता है ये गैप सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये तीन और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये कोई कोई स्टेट लेता है, कोई स्टेट नहीं लेता है। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है उस कॉलेज से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी बात करें हम स्टेट की कंडीशन में, तो स्टेट की कंडीशन में आपको डोमिसाइल जरूरी है, क्योंकि डोमिसाइल अगर आपके पास है तो डोमिसाइल से ही स्टेट में एडमिशन होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको अर्जेंटली जरूरत पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट्स तो इसके साथ साथ जरूरत होती ही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे MCC के लिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जरूरी बात आपको मैं ये बता देता हूं कि काउंसलिंग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए लिंक हमने इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने कॉलेज वाइज लिस्ट दे रखी है, उसमें आप किस प्रकार से चॉइस भरना है ये भी दे रखा है। इसके अलावा ट्यूशन फी, सीट मैट्रिक्स, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दे रखी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें BMS, वेटनरी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, ओपन स्टेट कोटा, सेंट्रल पूल कोटा, इन सब के बारे में अलग अलग बुक अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।